मैं डॉक्टर संदिनी अमरिंदर जेड पीएचएस तोटापल्ली आपको आपको कारक के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्रिया के कर्ता को कारक कहते हैं। जिन शब्दों का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध होता है उन्हें कारक कहा जाता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। आज मैं आपको 4 कारकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला कारक है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया को करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। राम ने रावण को मारा। यहाँ कर्ता राम है तथा राम ने कर्ता कारक है। वर्तमान और भविष्य काल में कर्ता की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता। विद्यार्थी पत्र लिखता है, यह वर्तमान काल है। विद्यार्थी ने पत्र लिखा, यह भूतकाल है। विद्यार्थी पत्र लिखेगा, यह भविष्यकाल है। कर्म कारक, जब क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, इसे कर्म कारक कहते हैं। इन वस्त्रों को उठा लीजिए, इस वाक्य में वस्त्र को कर्म कारक है। नौकर को बुला लो, इस वाक्य में नौकर को कर्म कारक है। क्रिया की सिद्धि में कर्ता की जो सबसे अधिक सहायता करता है उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो क्रिया का साधन होता है उसे करण कारक कहते हैं। से के द्वारा करण कारक के चिन्ह हैं, जैसे रमेश लाठी से सांप मारता है। यहाँ मारने का साधन लाठी है, इसलिए लाठी से करण कारक है। संप्रदान का अर्थ है देना। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के मुख्य चिन्ह हैं को, के लिए, के निमित्त, के हेतु, के वास्ते है। जैसे राजा याचक को धन देता है, यहाँ याचक के लिए धन दिया गया है, इसलिए याचक को संप्रदान कारक है। दूसरा, बालक ने भिखारी को रोटी दी, भिखारी को संप्रदान कारक है। तीसरा, मनुष्य धन के वास्ते देश विदेश भटकता है, धन के वास्ते संप्रदान कारक है।